नमस्कार, भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सफेद दाग रोगियों के लिए ऐसे 3 घरेलू उपचार की जिनकी मदद से वो अपने सफेद दाग से छुटकारा पा सकते हैं, और जो उसमें इरिटेशन वो महसूस करते हैं, एम्बेरसमेंट जो महसूस करते हैं पब्लिक फेस करने में, उससे भी रिलीफ पा सकते हैं। इन 3 घरेलू उपचार से पहले हमें ये समझना होगा सफेद दाग क्या है। सफेद दाग एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें हमारा ही इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव होकर हमारे ही शरीर को नुकसान पहुंचा रहा होता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में जो मेलानोसाइट सेल्स होती हैं वो अपना काम करना बंद कर देती हैं, मेलेनिन का पिगमेंट करना बंद कर देती हैं। रिजल्ट क्या होता है, शरीर पर सफेद दाग दिखाई देने लग जाते हैं। ऐसे में जो 3 घरेलू उपचार मैं आपको बताने वाला हूं, ये आपकी मेलेनिन के पिगमेंट को बढ़ाने में भी मदद करेंगे, साथ ही साथ इनके अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपकी स्किन को और अच्छे से नरिश करने में भी मदद करेंगी। इसमें सबसे पहला घरेलू उपचार है आपका नारियल का तेल। आपको नारियल के तेल की 2-3 ड्रॉप लेनी है, अपने जो अफेक्टेड एरियाज हैं उस पर आपको इसको लगाकर लगभग 30 मिनट के लिए छोड़ देना है, और उसके बाद आप इसे ल्यूकवॉर्म वाटर से वॉश कर सकते हैं, नॉर्मल वाटर से भी वॉश कर सकते हैं। नारियल के तेल के अंदर आपको एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज मिलती हैं, और साथ ही साथ ये आपकी स्किन को नरिश करता है, तो ऐसे में ये आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। सेकंड होम रेमेडी जो आप अप्लाई कर सकते हैं वह है सरसों का तेल प्लस में हल्दी, यानी आपको हल्दी में सरसों का तेल मिलाना है और इस पेस्ट को बनाकर अपने सफेद दाग के पैचेस पर लगाना है। हल्दी के अंदर आपको कर्क्यूमिन नाम का कंपाउंड मिलता है, इसमें आपको एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज मिलती हैं, साथ ही साथ इसमें आपको एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज भी मिलती हैं। ये आपकी किसी भी चोट को हील करने में भी मदद करता है, साथ ही साथ जो सफेद दाग बन रहे हैं उन्हें डिसॉल्व करने में भी मदद करता है। यानी अगर आप इस पेस्ट को लगाएंगे तो इसकी मदद से जो आपका स्किन का कलर नॉर्मल स्किन कलर है उसमें चेंज होने लगेगा। तीसरा घरेलू उपचार जो आप अपना सकते हैं वो है आपका नीम के पत्तों का रस, या नीम के पत्तों की चटनी कह सकते हैं, या उसको पीस कर पेस्ट जो बनता है उसको आपको लगाना है। नीम के अंदर आपको एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज मिल रही हैं, ये आपके सफेद दाग को ठीक करने में आपकी पूरी मदद करता है, साथ ही साथ एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी हैं जो आपके विटिलिगो में आने वाली सूजन को भी कम करने में मदद करती है। तो ऐसे में आप नीम के पेस्ट को लगा भी सकते हैं, इवन आप इसको कंज्यूम भी कर सकते हैं। अगर आप दिन की 2-3 नीम की पत्तियां खा लेते हैं तो इससे भी आपको शरीर के अंदर भी बहुत डिटॉक्सिफिकेशन मिल जाती है, ब्लड साफ होता है, तो ऑटोमेटिकली आपके शरीर की गंदगी जब बाहर जा रही है तो इस सिनेरियो में हमें ये देखने को मिलता है शरीर ऑटोमेटिकली हील करने लग जाता है, हमारा इम्यून सिस्टम भी अपने लिमिट्स में आ जाता है, यानी हाइपर एक्टिव जो हो गया उसको कंट्रोल कर देता है, ये मॉड्यूलेट कर देता है। तो ऐसे में नीम की पत्तियां भी आपके लिए फायदेमंद है। इन 3 घरेलू उपचार की मदद से आप अपने सफेद दाग में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देख सकते हैं। लेकिन यहां मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि सफेद दाग में आप इससे अच्छे रिजल्ट्स तो देख सकते हैं लेकिन प्रॉपरली क्योर नहीं हो सकते। रीजन है, सफेद दाग यानी विटिलिगो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, यहां पर हमारा ही इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव होकर शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसे में आपको एक ऐसे ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है जो आपके इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट कर सके। भारत होम्योपैथी में आपको ऐसा ही ट्रीटमेंट मिलता है। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, अभी मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं जिसमें बिफोर एंड आफ्टर की फोटो है। भारत होम्योपैथी में जब ये पेशेंट आए थे इनकी कंडीशन कुछ इस तरीके से थी, आफ्टर 2-3 मंथ्स ऑफ ट्रीटमेंट इनके रिजल्ट्स कुछ इस तरीके से थे। तो अगर इनका सफेद दाग ठीक हो सकता है तो आपका भी सफेद दाग ठीक हो सकता है। आपको सिर्फ करना क्या है, आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करना है और भारत होम्योपैथी डॉक्टर टीम से एडवाइस लेनी है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।